आज हम विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। सबसे पहले एक द्विध्रुव बनाना है आपको। ये द्विध्रुव के अंदर लेफ्ट में आपको माइनस क्यू बनाना है और राइट में प्लस क्यू बनाना है। दोनों के बीच का जो केंद्र है वो ओ हो जाएगा। ये आवेश ए पे रखा हुआ है और प्लस आवेश बी पे रखा हुआ है। ए से ओ तक की जो दूरी है वो स्मॉल ए है और बी से लेके ओ तक की दूरी भी स्मॉल ए है। सेंटर पॉइंट ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। पी पॉइंट इसके अक्ष पर है। अब इस पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इस प्लस आवेश का विद्युत क्षेत्र देखते हैं। प्लस आवेश का विद्युत क्षेत्र ईबी आवेश से लंबवत बाहर की ओर है। उसके बाद में ए आवेश, ए पर जो माइनस आवेश है इसका विद्युत क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर है और वो ए की तरफ जा रहा है, और धनात्मक आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है वो प्लस से बाहर की ओर जा रहा है। अब जो पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सदिश विपरीत दिशा में है। इसमें ईबी का परिमाण ईएस से अधिक है, इसलिए हम ईबी में से ईए को घटाएंगे। अब प्लस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा के क्यू बटा आर स्क्वायर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो प्लस आवेश से पी बिंदु की दूरी जो है वो पी से बी तक की दूरी है, इसलिए बी का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हो जाएगा के क्यू अपॉन पी बी का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह ये दूरी ले ली हमने, पी बी का स्क्वायर। माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। ए का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हो जाएगा के क्यू अपॉन पी ए का होल स्क्वायर। अब इस चित्र में आप पी ए का मान देखिए, पी से लेके ए तक की दूरी कितनी है। जब आप देखेंगे तो इसमें P से लेके O तक की दूरी है R और O से लेके A तक की दूरी है A, तो P से लेके A तक की जो दूरी हो गई वो हो गई R प्लस A। तो चित्र के अनुसार जो PA है वो हो गया R प्लस A और जो PB है वो बन जाएगा R माइनस A। PA की वैल्यू है R प्लस A और PB बन जाएगा आर माइनस ए। ये दोनों मान इस ऊपर वाली समीकरण में रख दीजिए तो आपके पास में पी बिंदु का विद्युत क्षेत्र जो है वो प्राप्त हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इस दोनों में से के क्यू कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में बन जाएगा वन अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये बन जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए और इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो ईपी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, के क्यू कॉमन चल रहा है ब्रैकेट में, वहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर माइनस यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए आर डिवाइडेड बाई, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप इस माइनस से इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए तो ये दोनों प्लस वाले तो बन जाएंगे माइनस और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा प्लस, तो ईपी की वैल्यू बन जाएगी आपके के क्यू ब्रैकेट में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल
होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2ar और 2ar ऐड होकर 4ar बन जाएगा, तो ये बन जाएगा के क्यू इंटू 4ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस पॉइंट पर आने के बाद में आपको एक ट्रिक याद रखनी है, चार को लिखना है 2 इंटू 2, ये जो 4 है इसको लिखना है 2 इंटू 2, तो आपके पास में ईपी की वैल्यू आ जाएगी 2KQ2AR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो 4 था मैंने उसको लिख दिया 2 इंटू 2। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे को पता है कि जो क्यू इंटू 2A होता है, क्यू इंटू 2A उसको पी माना जा सकता है, तो इसमें यहाँ पर p लाने के लिए हमने 4 को लिखा 2 इंटू 2, तो अब ep की वैल्यू बन जाएगी ट्वाइस के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस चित्र में r इज ग्रेटर देन a है, इसलिए जो स्मॉल क्वांटिटी है, जो छोटी संख्या है, उसको नगण्य मानेंगे, तो a को आप नगण्य या नेग्लेक्ट कर लीजिए, तो ep की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस के पी आर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होगा वो बन जाएगा आर की पावर 4, तो ईपी की वैल्यू बन जाएगी ट्वाइस के पी आर अपॉन आर रेस पावर 4, इसमें आर से ये 4 कट हो जाएगा, तो आंसर बच जाएगा आपका ट्वाइस के पी अपॉन आर क्यूब। अब इस चित्र में एक लास्ट पॉइंट देखिए, जो विद्युत क्षेत्र है वो बी का मान अधिक था, ए का मान अल्प था, इसलिए जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो बी की दिशा में बाहर की ओर होगा, और जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, तो पी और ई दोनों समान दिशा में है, इसलिए अगर हम इसका सदिश रूप बनाना चाहें तो इसका सदिश रूप इस तरह से बन जाएगा, ई बराबर बन जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला था, हम यहाँ पर P के ऊपर सदिश का चिन्ह बना देंगे और P और E दोनों समान दिशा में होंगे, तो ये इसका सदिश रूप बन जाएगा, इसमें R कैप लगाने की आपको आवश्यकता नहीं। थैंक यू।